नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम का जो इंग्लिश का आपका पेपर होने वाला है, इंग्लिश की कॉपी आपको कैसे लिखना है और इसमें आपका ये जो पैसेज होता है, पैसेज का जो आंसर होता है यहाँ से आप छांटेंगे कैसे, छांट छांट कर मित्रों लिखेंगे कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले मित्रों हम आपको यह बताएंगे आप कॉपी कैसे लिखेंगे। देखिए ये आपका पेपर हो जाता है और कॉपी आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे रहेगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए जैसे अब जब आपका पेपर आएगा, पेपर को पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया होता है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट 15 मिनट्स यहाँ पर देखिए आर अलाउटेड द मतलब कंटेंट रीडिंग क्वेश्चन पेपर। इसमें यह कह रहा है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा मित्रों, इसे आपको क्या करना है, रीड करना है, इसे आपको पढ़ना है। फिर देखिए आल क्वेश्चन आल कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन के मार्क्स क्या हैं, दिए हैं, ये आपको लिखना रहेगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए जब भी आप अपनी पेपर कॉपी लिखेंगे, आपको एक स्केल जरूर लेके जाना है। यहाँ पर आपको लाइनिंग खींच लेना है और लाइनिंग के इस साइड यहाँ पर आपको लिखना है। हालांकि हमने लाइनिंग नहीं खींचा लेकिन आपको इस चीज़ का बखूबी आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन आंसर कैसे डालेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मित्रों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपका। ये जो पैसे दिया होगा यहाँ से आंसर ढूंढना है आपका और ये चीज़ें लिखना है, राइट। इसके बाद देखिए, इसके बाद जब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आएगा, सेकेंड नंबर का जब आप क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर सेकेंड नंबर का है ये। फिर देखिए मित्रों जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था क्या, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 115 वर्ड्स, राइट। ये कितने वर्ड्स, ये कितने नंबर का है मित्रों, 10 नंबर का है, 10 नंबर का होता है। जब भी आप आर्टिकल लिखें 100 से 150 वर्ड में, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आप जो भी आप आर्टिकल लिखें यहाँ पे आपको हेडिंग बहुत आवश्यक हो जाता है डालने के लिए, राइट। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन डाल दीजिए, फिर आप लिखते हुए धड़ाधड़ चले जाइए, फिर जो भी आपको हेडिंग मिलेगी आप हेडिंग ऐसे ब्लैक पेन से आपको डालना है, ब्लैक स्केच से, क्योंकि मित्रों हेडिंग जो है आपका डायरेक्ट फोकस करता रहेगा। नेक्स्ट जब आप देखिए क्वेश्चन 3 नंबर का जब आएगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका किस पर आधारित रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोविंग योर, यहाँ पर देखिए कॉन्सर्न ओवर हाई राइज इन, यहाँ पर देखिए वाटर टैक्स। फिर देखिए राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप इनेबल यू टू स्टडी फर्दर, राइट। तो मित्रों यहाँ पर देखिए ये दो रहेंगे, दोनों में से कोई एक आपका राइटिंग करना है, चाहे यहाँ पे लेटर लिखिए प्रिंसिपल पर, चाहे आप ये क्वेश्चन हल कीजिए, ठीक। तो दोनों में से कोई एक रहेगा, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, अ लेटर टू द प्रिंसिपल पर हमने लिखा है। तो मित्रों यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसकी पूरी बखूबी आप तैयारी भी कर सकते हैं, और यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये किस पर आधारित रहेगा, चूज द करेक्ट, यहाँ पर देखिए ऑपोजिशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कोई एक, यहाँ पर देखिए है क्या, इन जैसे यहाँ पर देखिए द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करके वो आपको क्या करना रहेगा, राइटिंग करना रहेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए कई मित्रों क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के रहेंगे और सभी में से सभी क्वेश्चन के सही आंसर निकाल के आपको लिखना रहता है। इसके बाद देखिए मित्रों क्या होता है, इसके बाद देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है, देखिए ये इनडायरेक्ट है इसका स्पीच लिखना है, ये डायरेक्ट है इसका इनडायरेक्ट स्पीच लिखना है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, तो इस टाइप के मित्रों क्वेश्चन आपको जरूर हल करने हैं, ये सेंटेंस है जो कि आपको निकाल के लिखने होते हैं। जब आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा
यहाँ पर देखिए किस पे आधारित होगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो मित्रों ये आपका हिंदी रहेगा, हिंदी का आपका इंग्लिश क्या करना रहेगा, कन्वर्ट करना रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि आपका क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट मित्रों, जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। तो मित्रों यहाँ पर देखिए दो दो क्वेश्चन हैं, या फिर आप चाहे ये हल कीजिए चाहे ये हल कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन के ये क्वेश्चन है जिसकी आपको आंसर लिखना है, आंसर कितने वर्ड में लिखना है, 14 यानी 40 वर्ड में आपको लिखना रहेगा। इसके बाद देखिए आपका क्या आएगा, इसके बाद आ जाता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ ये आपको लिखना रहेगा राइट, और इसके बाद देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो मित्रों ये देखिए ये सेंट्रल आइडिया होता है जिस पर आपको पोएम लिखना होता है। ठीक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। तो ये भी आंसर मित्रों इसमें आपको हल करना है। फिर देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, इन दोनों पे आपको हल करना होता है, जो कि आपका 80 वर्ड में है, और ये कितने वर्ड का मित्रों, एनी वन, तो कोई एक इसमें से हल करना है, जो कि 7 नंबर का है। 7 नंबर का है तो लंबा, लेकिन आपको 80 वर्ड में लिखना भी पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप पेपर कॉपी लिखें तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। आप कॉपी कैसे लिखेंगे क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सभी क्वेश्चन आंसर और जो भी आप लिखे उस पर आप हेडिंग जरूर डालिए, क्योंकि मित्र हेडिंग जो होता है ये आपका डायरेक्ट जो एग्जामिनर का कंसंट्रेशन है ये आपके लिए बना देगा, और एग्जामिनर क्या होंगे, आपको अच्छे खासे नंबर, आपका कॉपी जब अच्छे तरीके से लिखी रहेगी कॉपी, आपको अच्छा मिलने वाला रहेगा। और मित्रों यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।